ओके जी, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये एक क्लोज सिस्टम होता है लिम्फ चैनल्स का या लिम्फ वेसल्स का। ये जो है एक ही डायरेक्शन में लिम्फ के फ्लो को अलाउ करते हैं, वन वे सिस्टम ये बनाते हैं। सो लिम्फ जो है वो टिश्यू स्पेसिस से जाता है ब्लड की तरफ, ब्लड से वापस जो है टिश्यू स्पेसिस में नहीं आते, सही, वन वे सिस्टम है इसका। ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम की। लिम्फेटिक सिस्टम जो है ये स्टार्ट होते हैं टिश्यू कैपिलरीज में। कैपिलरीज में जो टिश्यू कैपिलरीज या टिश्यू स्पेसिस में जो है वहां से ये स्टार्ट होते हैं, और इनकी छोटी छोटी कैपिलरीज होती है जिनको कहते हैं लिम्फेटिक कैपिलरीज। ये उन लिम्फेटिक कैपिलरीज की जो टर्मिनल्स होते हैं दे आर ब्लाइंड एंडेड, और ये ब्लाइंड एंडेड कैपिलरीज जो होती है इनमें वेसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, वॉल्व्स इनमें होते हैं। और स्मूथ मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सो इनमें जो है हेल्प करते हैं इस लिम्फ को फ्लो करने में, सही है, एक ही डायरेक्शन में। इसके अलावा इनमें वॉल्व्स होते हैं, यहाँ पे आप देखिए ये जो है वॉल्व्स है। सो ये वॉल्व भी जो है वन वे सिस्टम बनाता है, सही है। अच्छा, ये कैपिलरीज जो है ये कंबाइन होती है और ये वेसल्स बनाती है, बड़े बड़े वेसल्स बनाती है जिसको कहते हैं कलेक्टिंग लिम्फेटिक वेसल्स, सही है। सो ये वन असल में लिम्फेटिक कैपिलरीज शो कर रहा है, टू जो है दे आर लिम्फेटिक कलेक्टिंग लिम्फेटिक वेसल्स, थ्री जो है इट इज शोइंग अ लिम्फेटिक नोड, और फिर जो है ये ड्रेन होते हैं राइट लिम्फेटिक डक्ट की थ्रू एंड थोरेसिक डक्ट की थ्रू एंड टू द सबक्लेवियन वेन, सही है। अच्छा जी, इनमें इनकी कैपिलरीज जो होती है और ब्लड कैपिलरीज में जो है इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये है कि ये कैपिलरीज जो होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज ये काफी पोरस होती है, मतलब इनमें ज्यादा पोर्स होते हैं, सही है। तो यहाँ पे आप देखिए इसको लिखा हुआ है बटन लाइक जंक्शन। इसका मतलब ये है कि इनमें स्पेसेस होती है, सही, जिसके थ्रू जो है सारे जो टिश्यू से जो जितना भी मटेरियल है फ्लूइड है मैक्रोसाइट्स है वो इनके थ्रू जो है इस बल्ब में एंटर हो सकते हैं, सही है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है यहाँ पे आते हैं लिम्फ नोड पे। सो लिम्फ नोड की तरफ जो है बहुत ज्यादा एफरेंट आर्टेरियोल्स जाती है, सॉरी एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स जाती है, और एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स जो है सारा लिम्फ इनमें ड्रेन करते हैं, सही है, और फिर इसमें सर्कुलेट होता है सारा लिम्फ, और फिर एफरेंट वेसल के थ्रू जो है इससे फिर निकलता है, सही है। अच्छा, ये सारे लिम्फेटिक वेसल्स जो होती है ये फिर ड्रेन होती है आखिर में राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड थोरेसिक डक्ट की थ्रू एंड टू द सबक्लेवियन वेन, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए ड्रेनेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम जितना भी है वो सारा ड्रेन होता है राइट लिम्फेटिक डक्ट की थ्रू या फिर जो है थोरेसिक डक्ट की थ्रू। तो बॉडी का जो 2/3 पार्ट होता है, जो बॉडी का मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो ड्रेन होता है थोरेसिक डक्ट की थ्रू एंड टू द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, और जो 1/3 पार्ट है वो ड्रेन होता है राइट लिम्फेटिक डक्ट की थ्रू एंड टू द राइट सबक्लेवियन वेन, सही है, और फिर जो है ये इवेंचुअली ब्लड में मिक्स हो जाते हैं वीनस ब्लड में, सही। अच्छा जी, सिचुएशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल। लिम्फेटिक वेसल जो है कहाँ कहाँ पे होते हैं? सो डीपर स्किन में होते हैं, सबक्यूटेनियस टिश्यूज में, डायफ्राम में, एब्डोमिनल वॉल में, ओमेंटम में होते हैं जो कि पेरिटोनियम की फोल्ड है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होते हैं एक्सेप्ट एल्वियोलाई, सही है, एल्वियोलाई में नहीं होते लिम्फेटिक वेसल्स, और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट में, जेनिटल ट्रैक्ट में, लिवर एंड हर्ट, हर जगह पे जो है ये प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट फॉर फ्यू एरियाज, सुपरफिशियल स्किन में नहीं होते, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होते, कॉर्निया ऑफ आई में नहीं होते, बोन्स में नहीं होते एंड एल्वियोलाई में नहीं होते, सही है, बाकी जो है बॉडी के हर जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, लिम्फेटिक नोड पे आते हैं। सो लिम्फेटिक नोड को लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ नोड भी कहते हैं। ये जो है स्मॉल ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सही है, इसमें जो है लिम्फेटिक टिश्यूज होते हैं जिसके इर्द गिर्द एक कैप्सूल होती है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू की एक कैप्सूल होती है, सही है। अच्छा, लिम्फेटिक जो नोड होता है इसके 3 मेन लेयर्स होते हैं, एक जो है इसका मेडुला होता है जो बिल्कुल इनर है, सही है, फिर उसके बाद ये जो येलो सा नजर आ रहा है मस्टर्ड सा, दिस इज द पेराकॉर्टिक्स, और पेराकॉर्टिक्स के बाहर जो है कॉर्टिक्स होता है, सही है। अच्छा जी, अब कॉर्टेक्स जो है इसमें अब प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड फॉलिकल्स होते हैं, यहाँ पे आप देखें ये फॉलिकल्स आप लोगों को नजर आ रहे होंगे। तो प्राइमरी फॉलिकल्स वो होते हैं जो कि फर्स्ट डेवलप होते हैं, सही है, जैसे बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह आता है तो इनमें
प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल में जो है प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है. सी एक सेंटर होता है इसमें, उसको कहते हैं जर्मिनल सेंटर, और उस जर्मिनल सेंटर में प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाती है. सही है, जब इनकी प्रोलिफरेशन कंप्लीट हो जाती है तो फिर जो है ये बन जाते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड फॉलिकल. सही है, ये जो है इसमें देखिए जर्मिनल सेंटर भी है, इनकी प्रोलिफरेशन हो जाती है तो इसको कहते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड फॉलिकल. अच्छा जी, बी लिम्फोसाइट्स आर यूजुअली एग्रीगेटेड एट द प्राइमरी फॉलिकल्स. प्राइमरी फॉलिकल्स में जो है बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसके अलावा कॉर्टेक्स में जो है मैक्रोफेजेस भी होते हैं. सही है, अच्छा पेराकोर्टेक्स जो है ये लेयर होती है बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड द मेडुला, और इसमें जो है सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स होते हैं. सही है, फिर मेडुला जो होता है इसमें बी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी होते हैं एंड मैक्रोफेजेस भी होते हैं. सही है, और इनमें जो ब्लड वेसल्स जो लिम्फ नोड में एंटर होती है वो वेसल जो है वो हमारे मेडुला के थ्रू एंटर होती है. सही है, अच्छा इसमें जो है कुछ एफरेंट वेसल्स होती है, वन और टू एफरेंट वेसल्स होती है हर एक नोड के लिए, और उस वो एफरेंट वेसल क्या करती है सारा लिम्फ जो है वो ड्रेन करती है इनटू द लिम्फेटिक नोड. वो सारा लिम्फ इस नोड में जो है सर्कुलेट होता है कॉर्टेक्स से, फिर पैराकॉर्टेक्स से, फिर मेडुला से, और फिर इवेंचुअली जो है वो बाहर जाता है थ्रू द एफरेंट लिम्फेटिक वेसल जो कि वन और टू एफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं. अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिम्फ नोड्स, लिम्फ नोड्स कहाँ कहाँ पे होते हैं. सो हमारे एल्बो में यहाँ पे आप देखें ये जो राउंड राउंड से नजर आ रहे हैं, दीज आर द लिम्फ नोड्स. एल्बो में होते हैं, एक्सिला में होते हैं, यहाँ पे आप देखें नी में होते हैं, इसके अलावा यहाँ पे ग्रोइन रीजन में होते हैं, और इसके अलावा जो है एब्डोमेन के कई कई पार्ट्स में होते हैं, थोरैक्स के कई कई पार्ट्स में होते हैं, और जो है हमारे नेक रीजन में भी होते हैं. ठीक है, अच्छा फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स, इनका फंक्शन क्या होता है कि ये फिल्टर करते हैं बैक्टीरिया को या जितनी भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होती है टिश्यू स्पेसिस से, उनको ड्रेन करते हैं और फिर उनको फिल्टर करते हैं इन द लिम्फ नोड्स. सो लिम्फ नोड जो है सारा वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट वगैरह सब रिमूव करते हैं, जितनी भी बैक्टीरिया होते हैं टॉक्सिक मटेरियल होते हैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सही है, और प्रोटीन्स एंड लिपिड्स को छोड़ देते हैं इन द लिम्फ, और वो जो है फिर लिम्फ के थ्रू ये प्रोटीन्स एंड लिपिड्स जाते हैं ब्लड में. अप्लाइड फिजियोलॉजी पे आते हैं, सो स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड जो है कोई भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में, सो उसकी उसके साथ जो करीब जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं. सही, और जब लिम्फ नोड स्वेल होते हैं वो काफी पेनफुल होते हैं, लेकिन जब बॉडी रिकवर करती है इन्फेक्शन से, इन्फेक्शन खत्म हो जाते हैं, तो फिर लिम्फ नोड जो है वो अपने साइज की तरफ आराम आराम से आते हैं, विद इन 1 or 2 weeks इनकी साइज जो है वो रिगेन हो जाती है. कॉजेस क्या हो सकते हैं लिम्फ नोड की स्वेलिंग की, सो कोई भी इन्फेक्शन, अगर आर्म में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से आर्मपिट में जो लिम्फ नोड होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं. सही है, अगर टॉन्सिलाइटिस है, थ्रोट इन्फेक्शन है, तो उसमें नेक के जो लिम्फ नोड होते हैं वो स्वेल हो जाते हैं. इन्फेक्शन अगर जेनिटल एरियाज में है या लेग में है तो उसमें ग्रोइन रीजन की जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो स्वेल होते हैं, और अगर वायरल इन्फेक्शन है, ग्लैंडुलर फीवर है जिसमें पूरी बॉडी इन्वॉल्व होती है, तो उसमें जो है पूरी बॉडी के लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते हैं. सही है, सो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो है उसके लिम्फ नोड्स स्वेल हो जाते हैं. अच्छा कुछ कैंसर जो है वो एक्चुअली स्प्रेड कर सकते हैं एंड टू द लिम्फ नोड्स, अगर कोई कोई ऐसे एरिया में कैंसर, अगर लिम्फ नोड किसी करीब करीब एरिया में कोई कैंसर है ना, तो वो कैंसर स्प्रेड हो सकता है इनटू द लिम्फ नोड्स और उनकी स्वेलिंग जो है वो कॉज हो जाती है. सही है, अच्छा अगर थ्रोट कैंसर है तो वो नेक के लिम्फ नोड में कैंसर कॉज कर सकता है, उसमें स्प्रेड हो सकता है. लंग कैंसर जो है वो चेस्ट के लिम्फ नोड में स्प्रेड हो सकता है. ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आर्मपिट के लिम्फ नोड में स्प्रेड हो सकता है. इंटेस्टिनल कैंसर जो है वो एब्डोमेन के लिम्फ नोड में हो सकता है. इसके अलावा लिम्फोमास और ल्यूकीमियास जो होते हैं, लिम्फोमा असल में लिम्फेटिक सिस्टम के कैंसर को कहते हैं और ल्यूकीमिया जो है एक ब्लड कैंसर है, तो ये जो है इसमें बहुत सारे बॉडी के बहुत सारे लिम्फ नोड्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, वेरियस पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं. एंड थैंक यू.